यार ब्यूटीफुल कार सईफा, लेकिन आप क्या कह रहे हो, समझ रहे थे कि मैं कहूंगी ओह माय गॉड सीमा व्हाट इज दिस, मतलब कभी आपको लगा था मैं ये कहूंगी ओह माय गॉड, ओह माय गॉड पागल हो गए, हमें तो क्या सुनिए, हमारी हेवल में है ये जी, हम आ चुके हैं सुनील सरफराज मंच के घर पे, आइए इनको सलाम अलैकुम करिए, कैसे तो सुनील भाई ने सोच लिया हर चीज ऑन कैमरा, ईदी ऑन कैमरा, अच्छा क्या कर रहे हैं इनको फॉरवर्ड हुई भी चीजें आती हैं, फॉरवर्ड क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कहीं से आती फॉरवर्ड क्या लिखा हुआ है, सुनील मान हमेशा, और उसके ऊपर क्या, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्या इतना मुश्किल है, अपना ब्रांड है यार रेजिमेंट, क्या हो गया तुम, कैसी बात कर रहे हो, अभी देता हूँ, हाँ क्या कह रहे हैं, अभी दूंगा, दे के भेजूंगा, रूप बदल के आ गया, ये एफएक्स नहीं है, गरीब आदमी होंडा सिविक है, ये मैनेजर ये लोग एफएक्स वो खड़ी है पीछे, एक पे जाना है दो पे जाना है, क्यों दो पे जाना है, एक पे जाते हैं मजा आएगा, मैं तो ऐसे ही आगे बैठे पीछे यार, ये चाबी रख लेना, आओ चले, सुबह से भूखी बैठी हूँ ताकि मैं जाकर खाना खा सकूँ, फूड और नील्स ने ना डाइट की बस कर दी हुई है, सॉफ्ट क्लोजिंग डोर है, जोर से नहीं मारते पेंडू, ये देखो इसको साथ लगाना है, तो बस लोगों के पास पैसे आ जाते हैं ना, समझ नहीं आती ना, ये तो बता रहा हूं, हो जाते हैं लोग चीप करते करना शुरू कर देते, ओ माय गॉड, ओ खराब हो जाती है बिल बतौड़ी, ओ माय गॉड, 2000 दूंगा, 2000 कंफर्म दूंगा, 2000 देके भेजूंगा, 3000 चेंज होगी वापस, नहीं है, दोगी ना, है ही नहीं, मर्द की 1000 ट्रांसफर कर दूंगी, मैं कर लेता हूँ यार, अब फ्रांस अब अंदर बैठे लारी अड्डा थोड़ी है, आने दे आने दे, लगेगी आवाज आएगी, यार ब्यूटीफुल कार सईफा, हाँ हाँ बहुत अच्छी, ओह माय गॉड आज तक ऐसी गाड़ी नहीं देखी मैंने, ओफ अच्छा, गियर का है, गियर का है, गियर का है, गियर का यहाँ पे होगा, ये रहा, ये रहा, और चलो चलो लगाओ गियर, यही है लगाओ, नहीं मच्छर तो नहीं है, तो अच्छा ना ये है, लगा था मुझे, अल्लाह की कसम मैं कहने लगी थी, लगा था, फिर मैंने कहा मैं बोलूंगी कि वहाँ कैसे लगाना, चलो बताओ कैसे लगाना, क्यों ऊपर नीचे होगा, ऊपर ऊपर रिवर्स से सेंटर न्यूट्रल, अच्छा सो दिस इज 2006 S500 शाहनवाज में आई थी, 6 की प्रोडक्शन है, 7 की डिलीवरी है, और ये मैंने लास्ट ईयर लेके इसको रिस्टोर किया था पिछले रमजान, एक साल हो गया, जब ली थी तो 94,000 किलोमीटर थी, अभी 97,000 है, 4,000 चल गई है, जिसमें एक दफा हम इस्लामाबाद गए हैं, एक दफा पेशावर शायद या फैसलाबाद, उसके अलावा 1500 किलोमीटर तो यही हो गया, हाँ तो बस उसके अलावा शहर में खड़ी रहती है, आज मेरा ख्याल है एक महीने बाद तो निकाली, अभी बाली ने आके 3 गाड़ियां निकाल के तो निकाली बेचारी, आज के हमारे शो की एक छोटी सी खासियत ये है कि हमने बहुत खतों किताबत करके भाभी से इजाजत लेके हमने फरहान साहब को अपने साथ शो में बुलाया, उन्होंने तो और... स्पेशल किया कि जाओ टक टक दफा हो अच्छा ये क्या कह रहे सईफा, एक ऑप्शन गाड़ी की है दिखाऊं तुम्हें, फिर कोई शोधा गिरी है चेक करना बटन, नहीं मैं ये देखो यार, ये देखो, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड पागल हो गए, हमारी हेवल में है, तो क्या सुनिए, हमारी हेवल में है, आपको ये जाते हुए दिखाएगा आगे सड़क के ऊपर, अगर आप अंधेरे में भी जा रहे हैं तो आपको देखिए एक एक चीज नजर आती है, इसको आप बंद कर लें, ऑप्शन होती है इसके लिए, रडार शडार आता है, और ये बड़ी जो कहते हैं लिमिटेड ऑप्शन आती थी हर गाड़ी में, नहीं हमारे पास जो दूसरी एस क्लास थी जो 350 उसमें नहीं थी, खास मसला है आपके साथ, मतलब मैं कहना चाह रही हूँ कि हम बाली को इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे थे, बाली को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बाली को सब जानते हैं, बाली का ये पोल बड़ा मशहूर है, लेकिन सारी अटेंशन आपको चाहिए, स्क्रीन टाइम आपको, मतलब अगर आज गलती से हमारे साथ मेहमान आ गए हैं, हमने बुला लिया उनको, तो कितना ही मसला था, मैक्सिमम 1.5 मिनट आपको चुप रहना था, मैं उनको मिलवाती हूं कि चेयर पे कैमरा आता है, मैं चुप हूं, आप मिलवाएं, ये नादिर अली ने कहा था जो दे जिंदगी में रंज, अस्सलाम वालेकुम सुनील मंच, यार आप कहा था ये वो लम्हा है जब मैं सोच रही हूँ कि मैं क्यों आई इधर, क्यों निकला मुझे क्यों
ये सीबीडी है भाई। ओ भाई ये क्या है? ये गुलबर्ग के इलाके में होता है, ये लाहौर में होता है। मैं पता नहीं कब आखिरी दफा आपके पास ही आई हूँ। ये फूड ऑन व्हील्स वाला है, ये हमारे घर के बिल्कुल पीछे सीबीडी है। सिंह भाई तो बहुत प्यारा होगी, ये तो कभी था ही नहीं। हां सेंट्रल बिजनेस है ये सीबीडी पंजाब। यहाँ पे पूरा आपके जो कमर्शियल बिल्डिंग बनी है, क्या हो गया आपको? यहाँ से एक रोड वॉल्टन भी गिरनी है सीधी जाके। यार सिंह भाई तो लाहौर बहुत सीन, वो चेक करो, ऐसे ऐसे लगता है थाईलैंड आ गए। वो देखो ब्रिज के ऊपर लाइटें, देखो सिंगापुर में थाईलैंड में ऐसी लाइटें होती हैं। मैं तो बहुत दफा गया हूँ। फिर लगी क्या बात है? नहीं नहीं, मुझे अपनी गाड़ी बहुत प्यारी है, मैं नहीं करता कोई पंगा, टेंशन लो। अच्छा अच्छा बाकी सब छोड़ो, ये बताओ गाड़ी कंफर्टेबल है कि नहीं? सही भाई मर्सिडीज से कंफर्टेबल नहीं होना तो फिर लानत है यार। आज हर चीज पे लानत है तो ये क्या चल क्या रहा है ब्रो, क्या सीन क्या है? एक मेरी बात सुनी, क्या मतलब है कि कैसा सवाल है कि गाड़ी कंफर्टेबल है? कितनी तारीफ करनी है आप हमें? हम गाड़ी के बारे में डिस्कशन भी करते हैं, ऑप्शंस के बारे में बताते हैं, क्या क्या इसमें खास है, क्या नहीं खास। गाड़ी है और अच्छी गाड़ी है। और अब क्योंकि आपने उसको क्या कराया? अभी तो मैंने इसके ऊपर रैप किया हुआ है गोल्डन नाम का, और ये टर्म यूज करते हैं यार आपने, रिस्टोर किया। रिस्टोर ऐसे कहते हैं जैसे पता नहीं टार्जन मूवी की तरह पानी में चली गई थी जंग वाली, फिर निकली थी उन्होंने फुल पर्पल पेंट करा के। अच्छा चलो ठीक है, बोलिए। ऐसी थी ये, जिसने भी नहीं देखी ना वीडियो पिछले साल के मिलने के लिए, ये गाड़ी डेड थी, एक महीने के लिए चलती नहीं थी। कैसे चलना कुछ और, जंग लगा हुआ था टार्जन, जंग नहीं लगा था, इट वॉज डेड, इसका दिल खत्म हो चुका था। टार्जन फिल्म देखी हो? देखी है मैंने। क्या थी बंदी? हाँ मैंने देखी। इसके यहाँ पे टार्जन लटक भी रहता है, उसका बाप मर जाता है और वो पानी में से निकल आती है, फिर वो रात को सो रहा होता है तो खुद ही चल पड़ी। टार्जन में काफी आते तुम्हारी वाली? नहीं कोई, रात को बिल बुदौड़ी आके गोल के चल पड़ती है। मेरी बात सुने, ये टार्जन जितनी खराब थी? हाँ जी उससे ज्यादा खराब थी। फ्रांस साहब टार्जन वाली गाड़ी जो खराब थी फिल्म के अंदर, वो वुल में थी यार। छोड़ो इंडियन मूवीज का प्रचार करें, छोड़ो इधर। 20 लाख रुपए खर्चे पूरा रमजान, और उसके बाद 2-3 महीने लगा के रिस्टोरेशन की गाड़ी की, और उसको स्क्रैच से मैंने तैयार किया, एक एक चीज तैयार की, और अब 1 साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। टच वुड, वुडन स्टीयरिंग भी है गाड़ी में, वो टच करके ये कह रहा हूँ कि ये चल रही है बेहतरीन। क्लैपिंग यार, क्लैपिंग करें यार, क्या करें? 500 रुपए काटे इनके एक्टिंग। और कोई स्टैंडिंग ओवेशन उतर के दे देते, और मैं बैठने की तमीज नहीं है ये भाई, क्या भाई इतनी कोई इतनी कोई महंगी गाड़ी। अच्छा ये क्या है सही भाई, ये क्या पतली है ना, गिरा लगा ये क्या है? गुड मॉर्निंग, आई लाइक ये गाड़ी लाते हुए शेर। अच्छा ये बताइए क्या होगा, ये फायदा होता है? हां भाई क्या है इस गाड़ी में, ये क्या, ये क्या है? और तोड़ना नहीं है, सीडी है, यूपीएस चेंजर है, यूपीएस नहीं है, सीडी दबाना नहीं है, हर चीज को ये स्लाइड करते हैं आराम से। फसा दिया अल्लाह की कसम, फसा दिया तुमने। अच्छा ये कौन सा इलाका पता? ये है इचरा रोड है, इसको इचरा मार्केट कहते हैं। एक सेकंड, आप क्या कह रहे हो? समझ रहे थे कि मैं कहूंगी ओह माय गॉड सीमा व्हाट इज दिस, मतलब आपको लगा था मैं ये कहूंगी? हां ओह हाउ टैकी सीमा, ये भी तरीके बताते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ फैसलाबाद से। आपको क्या लगता था कि मैं कहती इचरा व्हाट इज दिस? अच्छा ये आपको लगता है अभी नेटफ्लिक्स पे कुछ कुछ होता है, देखिए आएंगे। हां मेरे पे जब इतने छोटे से बाल थे ना तो मैंने उसका वो करके भी दिखाया था। नहीं अंजलि वाला मैंने करके भी दिखाया था। फ्रांस सब पता क्या पोस्ट करते, बाथरूम का दरवाजा खोल के एक तरफ जाते थे, इतना भी प्यारा नहीं हूं मैं। क्या हमारी वो बाथरूम में शीशा लगा हुआ ना, सुनील साहब अंदर गए, अच्छा आप है वापस आ गए। आप अंदर क्या कर रहे थे सुनील साहब जब गए थे? उम्र क्या है चेक करो, मैं तो 37। किस तरह के जोक्स? आई एम 37। मैं 27। आपकी आपकी क्या एज है? आपकी तो एज इज जस्ट अ नंबर। 35। तो मेरे 2 साल छोटी हो वाली शाहनवाज की, और ये गाड़ी शाहनवाज मर्सिडीज के ऑफिशियल डीलर है, तो ये 0 मीटर इम्पोर्ट हुई थी, और इसके अंदर जो इंजन आते थे डीजल में 320 CD आता था, वो मैंने बहुत पहले जमाने रखी थी, बट वो पाकिस्तान में डीजल गंदा आता है। पेट्रोल में 350 आती थी जो हमने पिछले पहले बनाई थी, जो रजाक भाई से ली थी,
और ये 500 आती थी और 600 भी आती है लिमिटेड प्रोडक्शन। 500 मतलब 5000 थी। एक सेकंड, डीजल गंदा आते तो आपने मुझे रोको ले दिया डीजल वाले। यार वो टोयोटा है, उसका सादा इंजन है, मर्सिडीज के अंदर सीडीआई इंजन है। तुम्हारी गाड़ी कुछ होगा, अब तो आता ना यूरो 5 डीजल में। 2006 की बात बता रहा हूँ, बिल्कुल थोड़ी 18 साल। तो फिर तुम बदतमीजी करना बंद करो। मैं बदतमीजी कर रहा हूं, मुझे गंदी गाड़ी लेके दे दी और भेज दे बोल रहे। चलो वापस कर दो, डन हो गई ऑन कैमरा, जितने की दी थी उतने की वापस, कल तुम्हें पेमेंट मिल जाएगी। no. अब गाड़ी मेरी हो गई है। नो no. डन हो गई नहीं जी। क्यों नहीं, क्या है ये स्ट्रेटजी है उनकी, कर दो वापस। अभी नहीं करनी, मैं 6 महीने बाद। अभी चलो डन करो, 6 महीने बाद भी जितने के लिए उतने की मेरी। उतने की नहीं दूंगी मैं। चलो तुम समझो, तुमने पैसे रखवाए, तुम गाड़ी बगैर नहीं चला रही हो। पैसे रखवाए मेरे अकाउंट में पड़े रहते, गाड़ी तो आप मुझे वैसे ही चलाने के लिए दे देंगे। 6 महीने के लिए आप दे देते होते हैं। बाली ने कहा तौबा। मैं हाँ बाली ने देखे कहा है तौबा। है वाकई कहा? हाँ मैंने भी सुना था लेकिन मैंने फिर इग्नोर किया। बाली को सिर्फ किसी और के रैप पसंद आते हैं। खाना रेडी होगा, हम जब पहुंचेंगे। यार किसी ने खाना ऑर्डर किया है? मेरी जिंदगी का सबसे कुछ गवार दिन है यार ये। आपको खाना भी पसंद आएगा इंशाल्लाह। ये मेरी चॉइस है। जगह का नाम रियाज कैफे, छोड़ दो खाने की क्वालिटी देखना, जगह का नाम छोड़ दो। वो सामने कोने पे रियाज कैफे, बिल्कुल पुरानी जैसा गुलबर्ग की मेन मार्केट है वैसी लगती है मुझे मार्केट। यहाँ कौन सा वो सामने वो कोने पे आपने खुद एंजॉय करना है। हमारे पास छोटे छोटे 200 बच्चे हैं का पेट पालना होता है। 280 है। अच्छा ये है रियाज कैफे, बैठना कहाँ? ये मेरे ख्याल ये बैठने की जगह बाहर, आप फिर बाहर का भी खाना क्या रहे? देखिए विंडमिल व्हील देखिए, मैंने खुद इंस्टॉल किए, कंपनी के जैनों ने खुद डिजाइन किए विंडमिल स्टाइल के, ठीक है जी। और इसका ये रैप देखें, ये फलस्तीन फ्लैग देखें, ये देखे रैप देखो, ये 3M का रैप है, ये 7 लाख रुपए वाला रैप है बेटा। ये एक साल से लगा हुआ, गाड़ी खराब नहीं हुई। 6 दफा कैमरा पे बताएं 7 लाख एक दफा भी खराब नहीं। फिर सारी ब्लैक आउट की, ये ऑफकोर्स द बेस्ट इन टाउन SSM। चलो SSM का मतलब पता ना क्या? सुनील सरफराज मंच, स्टेनलेस स्टील मंच ब्रो। और यहाँ से भी सारा क्रोम हटा के ब्लैकआउट कर दिया गया, दैट्स इट। हटे लाइट, लाइट लाओ जी, लाओ, खराब नहीं है, मिट्टी होगी। नहीं नहीं बबल नहीं, खराब नहीं है ब्रो, ये बबल है। नहीं ब्रो, किसी ने शिट की होगी, हमारे वहाँ पे कबूतर है, बबल है। यार नहीं माननी बात आपने, डिंगडोंग में। चलो आओ जी, चले चाबी दे दी, आओ जी। कहाँ बैठना पता है? बाय बैठे, बाय बैठे, बाय बैठे, बाय बैठे। मुकाबले में तेज हो गया ब्रो। हाँ इधर कम है, इधर खुली जगह ना बेहतर है, आवाज सही आएगी। अल्लाह करे कम हो जाए आवाज, ये हमारी तो ऑडियो। ये तुमने फ्राई ना बनाया? सादी रोटी खा लो, दे दे कुछ भी। हाँ सादी रोटी है। होए 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 होए, आज जल गया। तो मैंने इसलिए तो 4 चीजों से पकाया था, बहुत गर्म चम्मच। सादी रोटी है, मिंट मारी गरम लाल हो गया रोटी। इस खाने की खासियत ही है, वरना देसी खाना खाओ ना ज़्यादातर तो रात को इतनी जलन होती है और आपको इतनी प्यास लगती है। आपको मैं गारंटी देता हूँ, आपको कोई प्यास नहीं, इजीली डाइजेस्टेबल। मैंने गुर्दे भी नहीं करवाया, कपूरे भी नहीं करवाए, मुझे नहीं सर। आई डोंट लाइक ऑर्गन मीट, सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। मुकाबले में शुरू हो गए टक 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 टक। ओए होए बहुत ज़्यादा टक टक हो गया भाई। सुनिए ना ये एकदम क्रेजी, अच्छा तो नहीं है क्या? क्या नहीं है? एकदम क्रेजी, अच्छा तो नहीं है। इसकी सबसे अच्छी बात ये है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको हैवी नहीं करेगा, यू विल फील वेरी लाइट। आपको रात को उठ के प्यास नहीं लगेगी, आपको अंदर स्टमक में दर्द नहीं करेगा, वेरी लाइट। बड़े अच्छे अच्छे मसाले बड़े अच्छे होते हैं। बस वो लेने गया, रोटी आया नहीं, उसे और मंगाना ही है। टुकड़ा सुकून है, आप सुकून से बता दो कैसी लगा? नहीं अच्छा, अगर तुम्हें ये नहीं अच्छा लगा फिर तुम्हारा टेस्ट मेरी समझ पाया। अच्छा है लेकिन इट्स नॉट लाइक बहुत अच्छा, इट इज जस्ट वेरी एवरेज। देखो दुनिया में दो चीज़ें याद रखना, जिसको खाना बनाना नहीं आएगा वो घीबो कर डालेगा और वो मिर्चों की धुनी दे देगा, जैसे हमने पिछले दिनों खाने खाए बहुत ज़्यादा मिर्चों वाले। ये बैलेंस मिर्च है, वो हो तड़पती हुई रोटी है, ये रखो ये, ओए होए होए होए, ये देखो ये होती है रोटी तड़पती हुई, ऐसे किसको कहते हैं तड़पती हुई रोटी, ये देखो तड़प गई, इसे खाओ। आज ग्लव नहीं ना इसलिए मिस कर रही है, ज़रा अभी खाओ, मज़ा ना आए तो पैसे वापस आ।
नहीं इतना अच्छा नहीं है जितना आपने डाला डाला मतलब नहीं तो अभी भी मुझे बहुत पसंद है। आपको जो खाने पसंद है ना वो इतने अच्छे होते भी नहीं है। मुझे इसलिए खाने पसंद है जो आपके स्टमक पे इजी हो, आपको उल्टियाँ ना आए। नहीं आज उल्टियाँ भाई क्या बात कर रहे हैं। दो दिन तेजी रेस्टोरेंट और करेंगे उस वक्त बड़ा मजा आएगा। अगले दिन मुझे उठ के बताओगी कि मेरे ना जलन हो रही है खाना नहीं है। मैंने अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए ना हर तरह की अब इलॉजिकल रीजन देनी है। नहीं अच्छा तो नहीं अच्छा, ये नहीं अच्छा। एक सेकंड कितने अच्छा आपको लगा मुझे नहीं पता, अभी पता चल जाएगा। बहुत एवरेज है, आने की जरूरत नहीं है। मैं कभी जिंदगी में यहाँ पे फिर से ट्रैवल करके नहीं आऊंगी। मोर देन एवरेज है 200 दफा लोगों को किसके टेस्ट बड़े ज्यादा चलते पता लग जाएगा। चलते हैं इसमें थोड़ी सी ना स्पाइसेस में, स्पाइसेस का मतलब ये नहीं होता कि बस मिर्च डाल दो, लेकिन ये ग्रीन चिली और ये चीजें अगर ज्यादा हो तो अच्छा लगेगा। ये तो आज में देखा ना, ये लो जी ग्रीन चिली के साथ बाइट जाने लगी है, मजा ही और हो। अब बेहतर हो जाएगा। याद रखिएगा मेरी हमेशा बड़ी खाला बताती होती हैं, तो जिसको खाना नहीं बनाना आता ना वो खाने में घी ज़्यादा डाल देगा या मिर्चें। मॉडरेट मिर्चों और कम घी के साथ अच्छा खाना बनाना है, अच्छा खाना होता है। और इसमें दोनों चीज़ें मॉडरेट है। घर जाके ना 1.5 लीटर मैंने कावा पीना है। अल्लाह की कसम जितनी कैलोरीज खा ली है ना मैंने, पूरा 1.5 लीटर उबलता हुआ कावा। कितना बिल है बाली? 6,000 रुपए पर हेड भाई। क्या वो अच्छा, इन्होंने अलग अलग किया, 3 गुर्दे 2 मगज। ओ मगज इतना महंगा, 1100 रुपए के 2 मगज। जिनके पास होना उनको पता था, तुम्हारे पास है मगज तो हमें मगज की वैल्यू क्या पता। जाहिर बात है अक्कल होती है आप लोगों के साथ होती मैं। आपकी ना मर्सिडीज से ज्यादा महंगे जूते में चुप कर रहे हैं। जूतों का फ्लैग जरूरी होता है, कल भी यही थे। क्या कि भाई गरीब इंसान हूँ, एक ही जूता लेके वही पहनती हूँ मैं। ऐसे आपस की बात, मैंने हुई जूते क्योंकि आपके पास तो नहीं था, 2003 के बाद अब आया। पेट्रियन अकाउंट दे दो, हम इनको जूतों के पैसे दे देते हैं। हाँ अच्छा छोड़ो यार, बिल बताओ। मुझे लगता है बिल बिल्कुल ठीक है यार, 6,000 रुपए बिल है और हम 4 लोगों ने खाए और एक्चुअली बड़ा फिट। आप लोगों ने प्रॉपर पेट भर के खाया ना, लाइक प्रॉपर डिनर था आप लोगों का? हाँ मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था, मैं भी उस पे थी और सुनील रोटी खाई ना, बस करें तो बिल्कुल सही बिल है। और खाने की अगर बात की जाए तो खाना को इतना अमेजिंग नहीं है, बहुत एवरेज है। मैं इतना दूर से उठ के यहाँ इसको खाने के लिए नहीं आऊँगी। लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूँ इसका निशात के साथ तो निशात ओवर प्राइस है। ये देखिए बेड टाइम रिमाइंडर मेरा लग गया, मैं सो जाती होती हूँ इतने बजे। जानवरों को रिमाइंडर तो, इंसान खुद ही सो जाते हैं। अच्छा आगे चलो। लेकिन यार पहले इसका बताओ, अभी तुम बताओ ये अच्छा था कि नहीं था? वो सारे 7.5 कह रहे हैं, मैं 9 कह रहा हूँ। सो ये था जी आज का एपिसोड। सहीफा को कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया, बिकॉज अगेन हर बंदे की अपने टेस्ट बैड है और मकसद ये की हर बंदा अपने नंबरिंग दे। बहुत इसने कोशिश की सबको नीचे खींचने की, लेकिन सबने 7, 7.5 दिए हैं, इन्होंने 5 दिए हैं और मैंने 9 नंबर दिए हैं। अगर आप अपनी फैमिली के साथ अच्छा खाना खाना चाहते हैं, नहीं, तो नहीं, 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 मेरे ख्याल से इट्स अ गुड प्लेस। आप एवरी देख लेना, नहीं नहीं एवरेज की बात नहीं, लेट्स पीपल डिसाइड यार। लोगों की इंटेलेक्ट को अंडरमाइन ना करें। और मेरे ख्याल से मैंने फिर बता दूं 2 वजह हैं कि इनको क्यों नहीं पसंद आया, कि अगर भर के मिर्ची होती तो उन्होंने कहा था कमाल हो गया। नहीं एक्चुअली अगर मैं सारी अपनी बातें साइड पर रखूं, काफी ज्यादा फैमिलीज बैठी हुई थी, औरतें बहुत सारी बैठी हुई थी और रश भी था, और उस जगह पे सिर्फ ये खुद थे और इनके साथ एक और किसी ने खोला हुआ था, इसके अलावा कोई भी और जगह नहीं। तो ऐसी जगह पे आप लोगों को ला रहे हैं और वो आकर खा रहे हैं, डील आकर ट्राई करें और फिर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। हमारा घर पुराना यहाँ पे, और फिर खुदा हाफिज़।